स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है? सो बिफोर वी स्टार्ट पावर प्लांट इंजीनियरिंग इन डिटेल, स्टार्ट लर्निंग एवरीथिंग अबाउट पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो के भाई पिच ये हमारा जो नया सिलेबस आया है तो उसमें तो एक ही क्वेश्चन पेपर मिलता है एज पर न्यू सब्जेक्ट कोड। जो हमारा पावर प्लांट इंजीनियरिंग है उसका सब्जेक्ट कोड है 3171910। अब उसके हिसाब से देखा जाए तो हमें तो एक ही पेपर मिलता है, तो हाउ कैन वी गेट टू नो कि कौन कौन से सर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो कैसे पता करें? तो उसका पता तभी कर सकते हैं जब हमारे पास मोर देन 5 नंबर ऑफ पेपर्स हो। यहाँ पे तो एक ही है, तो फिर क्या करेंगे? तो है ना कार्तिक सर, करके देंगे आपको। चलो तो सबसे पहले समझना है कि ये जो तुम्हारा सिलेबस है वो कहां से आया, टोटली न्यू सब्जेक्ट है या फिर कुछ ओल्ड सिलेबस था वहां से? तो हाँ, जो ओल्ड सिलेबस था 7 सेम के अंदर, यानी ये जो सब्जेक्ट कोड था उसके पहले वाला, तब 7 सेम के अंदर 2171910 करके एक सब्जेक्ट कोड आता था कि जहां पे पावर प्लांट इंजीनियरिंग करके आता था, ठीक है? तो हम अगर वहां से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर ले तो फिर हम उसको कुछ एनालिसिस पर, क्या वो सिलेबस और ये सिलेबस सेम है या कुछ नया है? तो सबसे पहले जो हमारा जो चैप्टर्स है, दैट इज 5 चैप्टर्स एज पर न्यू सिलेबस, कोल बेस्ड थर्मो पावर प्लांट, गैस टर्बाइन पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, पावर फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एंड इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट इश्यू। पर जो तुम्हारा ओल्ड सिलेबस था उसमें टोटल 12 चैप्टर्स थे। कितने? 12 चैप्टर्स। तब तुम सोचोगे सर ओल्ड में 12 चैप्टर्स थे और इसमें सिर्फ 5 चैप्टर्स, ऐसा नहीं है बच्चों। इसमें से 6 से 7 चैप्टर को तो इसने कंबाइन करके डाल दिया है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। इसलिए तो मैंने बोला था जब कल मैंने वीडियो डाला था कि फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको एनालिसिस करके दिखाता हूं। अगर उस सब्जेक्ट कोड में जाए हम ओल्ड वाला 2171910, तो पहला है उसका चैप्टर थर्मल पावर प्लांट, जो भी फर्स्ट में आता है, बॉयलर जो भी फर्स्ट में आता है, कोल एंड एस हैंडलिंग सिस्टम यानी थर्ड भी फर्स्ट में आता है, ड्रॉ सिस्टम वो भी फर्स्ट में आता है, स्टीम नोजल वो भी फर्स्ट में आता है, यानी पहले 4 चैप्टर तो फर्स्ट में आ गए। फिर कंडेंसर एंड कूलिंग पाउडर यानी 7वां चैप्टर भी फर्स्ट में आता है, फिर फीड वाटर ट्रीटमेंट वो भी फर्स्ट में आता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 यानी टोटल 7 चैप्टर तो उसने फर्स्ट चैप्टर में डाल दिए। टोटल 12 था, इसमें से 7 चैप्टर उसने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में ही डाल दिया। फिर उसका चैप्टर था गैस टरबाइन, तो वो हमारे पास है। फिर उसके पास था न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो भी हमारे पास है। फिर इकोनॉमी और पावर जनरेशन, तो वो सेम ही है इकोनॉमी पर, यहाँ पे थोड़ा माइनर कुछ वेरिएशन है, बाकी ये सेम चैप्टर है इकोनॉमी और पावर जनरेशन, दिस इज द सेम चैप्टर। तो नया चैप्टर कौन सा लाया है? वो लेके आया पावर फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये टोटली न्यू चैप्टर। तो अब मैं तुमको पढ़ाऊंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा? तो जो नया क्वेश्चन पेपर है वो तो है ही है, पर उसके अलावा जो ये ओल्ड सब्जेक्ट कोड है उसके जितने सारे क्वेश्चन पेपर है और उसमें से इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस पूछे गए मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा, सो दैट यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स, ठीक है? ऑन द एनालिसिस के जो जीटीयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, अब आप अगर चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पर आपको कुछ नहीं करना है। इसके कॉमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी पेपर की लिंक ले दूंगा, ड्राइव लिंक, सो गो इन टू द डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स, दोनों में से कोई एक में होंगे, वहां पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कार्तिक सर आपको हेल्प करेगा, प्लीज 200 रुपीज डोनेट करें ऐसे गुरु दक्षिणा कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं, और जितने भी सारे आपके फ्रेंड्स हैं उनको बता दो कि सर ने प्लेलिस्ट डाली, पहुंचाओ भाई इतना तो करो, आपके लिए अगर इतना कर सकता हूं तो। कल आप चार्ट करेंगे इसको डिटेल में, ठीक है? तो कल मिलेंगे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।